हमें और आपको मालूम है कि कोरोना जा चुका है, लेकिन इसको लेकर फिर से एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है। आपने भी वैक्सीन लगाई होगी, लेकिन हम आपको बताते हैं एक नया सच। वीडियो को आखिर तक देखें, हमारा पर्पस आपको डराना नहीं, आपको जागरूक करना है। चलिए शुरू करते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका के बारे में आपने सुना ही होगा। हाल ही में इस पर एक कोर्ट केस हुआ कि उनकी वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। भारत में यही वैक्सीन बड़ी संख्या में लोगों को लगाई गई। इन सब के बीच कोविड-19 वैक्सीन के कोविन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटा दिया गया, जिस पर विवाद बढ़ गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह पीएम की तस्वीर का हटना सवालों का कारण बन गया है। सोशल मीडिया पर तो आपने देखा ही होगा, विरोधी ट्रोलर्स इस पर अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं शुरू से लेकर अब तक पूरा विवाद क्या है, वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने की असली वजह क्या है, और कोविशील्ड लगवाने वालों को कितना सावधान रहना चाहिए। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत ही रेयर मामलों में हुआ है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट की माने तो एस्ट्राजेनेका पर सबसे गंभीर आरोप है कि उसकी वैक्सीन लगवाने के बाद कई लोगों की मौत हो गई है। कंपनी के खिलाफ ब्रिटिश हाई कोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। पहला केस 2023 में यूके की रहने वाली जेमी ने दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि डोज के बाद उनके ब्रेन में ब्लीडिंग हुई, खून का थक्का जमा और ब्रेन डैमेज हो गया। तब एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट के दावे को नकार दिया था, लेकिन इसके बाद एक के बाद एक केस दर्ज हुए और आखिरकार 3 साल बाद एस्ट्राजेनेका ने खुद ही इसके साइड इफेक्ट को मान लिया। ब्रिटेन की कंपनी का भारत से क्या है कनेक्शन? एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से ही कोविशील्ड का मैन्युफैक्चर किया था। कोरोना के दौरान देश में कोविशील्ड के डोज सबसे ज्यादा लगाए गए थे, और इसका आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है, करीब 175 करोड़ है। भारत में वैक्सीन लगवाने वालों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर लगी थी, जिस पर एक स्लोगन भी था, साथ मिलकर भारत कोविड-19 को हरा देगा। लेकिन जब कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट की बात कंपनी ने मानी तो लोगों ने इसके सर्टिफिकेट पर अपना स्टेटस चेक किया, जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं मिली। फिर क्या होना था, सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे कोविशील्ड के साइड इफेक्ट से जोड़ा, विपक्षी दलों ने इस पर गंभीर आरोप भी लगाए, जिसके बाद विवाद ने नया मोड़ ले लिया। चलिए आपको बताते हैं पीएम मोदी की तस्वीर क्यों हटाई गई। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से जब पीएम की तस्वीर हटाने का मामला गरमाया तो परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से इस पर जवाब आया। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय का कहना था कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगाई गई आचार संहिता की वजह से सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटाई गई है। 2022 में यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनकी तस्वीर हटा दी गई थी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर का विवाद नया नहीं है। इसे लेकर 2021 में मामला केरल हाईकोर्ट तक पहुंचा था। दलील दी गई कि दूसरे देशों में प्रधानमंत्री की तस्वीर इस पर नहीं है तो भारत में क्यों है। इसके जवाब में जज ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपने प्रधानमंत्रियों पर गर्व नहीं होगा, लेकिन हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है। अगर आपने कोविशील्ड लगाई है तो डरे या सचेत रहे। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि भारत में कोविशील्ड लगवाने वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट के कुछ मामले सिर्फ यूरोप तक ही सीमित है। भारत या एशिया में अब तक ऐसे मामले नहीं मिले हैं। लेकिन क्या एक्टर सुरेश तलपड़े के हार्ट अटैक की वजह वैक्सीन थी? उन्हीं से सुन लीजिए। बिकॉज इट इज ओनली आफ्टर दैट दैट यू नो सर्टन अमाउंट आफ्टर द होल वैक्सीनेशन ऑफ कोविड इज व्हेन यू आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग unknowingly little bit of fatigue and tiredness and things like that. So there has to be some amount of truth. Shreyas Talpade ke is bayan ne aapko bhi sochne par majboor kar diya hoga. Ek mamla aur bhi samne aaya hai. Ek website ne chhapa
कि एक ही परिवार की दो लड़कियों की मौत वैक्सीन लगने की वजह से हुई है। मौत के 3 साल बाद माता पिता सीरम कंपनी पर केस करने की तैयारी में है। इस मामले को ब्रिटेन की हाईकोर्ट तक आने में इतना समय लग गया, भारत में इसकी तस्वीर साफ होने में और कितना समय लग सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं हूँ हिमानी श्रोत्रिय, देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।